नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाफ डे न्यूज। शरद पवार से देर रात मिले उद्धव ठाकरे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने गुरुवार रात यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। ये मुलाकात दक्षिणी मुंबई स्थित पवार के निवास सिल्वर ओक पर हुई। वहीं माना जा रहा है कि शिवसेना को सीएम पद देने के लिए कांग्रेस एनसीपी तैयार है। ये जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को मिल सकती है। अटकलें हैं कि शिवसेना ने सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे का नाम सुझाया था, लेकिन एनसीपी नहीं मानी। पवार की नई दिल्ली से यहां शाम को लौटने के बाद ठाकरे से मुलाकात हुई। बैठक ऐसे वक्त हुई जब कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने नई दिल्ली में कहा था कि उनकी पार्टी और एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सभी मुद्दों पर पूरी सहमति है और अब वह गठबंधन की संरचना को पूर्ण रूप देने के लिए शिवसेना से बातचीत करेंगे। चौहान ने कहा कि आगे की बातचीत अब मुंबई में होगी, जहां कांग्रेस और एनसीपी अपने सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। सूत्रों ने बताया कि तीनों दलों द्वारा राज्य में सरकार बनाने की घोषणा शुक्रवार को की जा सकती है। शिवसेना के एक नेता ने कहा कि शुक्रवार को उद्धव ठाकरे पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेताओं की बैठक को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर मुंबई में शुक्रवार शाम 4 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। इस बैठक में पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी खड़गे भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी विधायक खड़गे से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। उधर शिवसेना ने भी शुक्रवार को अपने सभी विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को ही विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। स्वयंभू बाबा नित्यानंद देश छोड़कर भागा। गुजरात पुलिस ने गुरुवार को बताया कि स्वयंभू बाबा नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया है। नित्यानंद के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज है। मामले में उसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने उसकी 2 महिला अनुयायियों को भी गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नित्यानंद कर्नाटक में उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद से ही देश छोड़कर भाग गया था। गुजरात पुलिस उचित माध्यम के जरिए उसकी हिरासत हासिल करने में जुटी है। पुलिस ने उसकी 2 महिला अनुयायियों को भी गिरफ्तार किया था। दोनों पर 4 बच्चों को कथित तौर पर अगवा करने और उन्हें एक फ्लैट में बंधक बनाकर रखने का आरोप है। पुलिस नित्यानंद के आश्रम से लापता हुई एक महिला के मामले में भी जांच कर रही है। आपको बता दें, ये मामला महिला के पिता ने दर्ज करवाया है। पुलिस ने बुधवार को स्वयंभू बाबा स्वामी नित्यानंद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर अहमदाबाद में अपना आश्रम योगिनी चलाने के लिए बच्चों को कथित तौर पर अगवा करने और उन्हें बंधक बनाकर अनुयायियों से चंदा जुटाने का आरोप है। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अहमदाबाद में स्वयंभू बाबा नित्यानंद के आश्रम के लिए स्कूल की जमीन बिना अनुमति देने के मामले में गुजरात शिक्षा विभाग से एक रिपोर्ट मांगी है। एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने मामले में जांच करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है और राज्य विभाग द्वारा जारी की गई NOC की स्थिति में अवगत रहने को कहा है। दिल्ली की एयर क्वालिटी आज भी खराब। दिल्ली NCR में दिवाली के बाद से ही एयर क्वालिटी काफी खराब चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज की हवा की बात करें तो लोदी रोड इलाके में सुबह के समय PM2.5 260 रहा तो PM10 250 रहा। ये दोनों ही खराब श्रेणी में माने जाते हैं। इससे पहले गुरुवार को हवा की गति कम होने की वजह से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी पर पहुंच गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार दोपहर 1:30 बजे AQI 360 था। रोहिणी में गुरुवार को AQI 410, आनंद विहार में 413, नेहरू नगर में 403 और बवाना में 404 था। ये प्रदूषण गंभीर श्रेणी में आता है। निजी मौसम विज्ञान संस्था स्काईमेट द्वारा कहा गया है कि 23 नवंबर से हल्की हवा चल सकती है, जिससे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये भी अस्थायी होगा क्योंकि 25 नवंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिससे हवा की गति फिर मंदी हो सकती है। उन्होंने कहा, 25 और 26 नवंबर को अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। ऐसा होते ही प्रदूषक तत्व हट जाएंगे। सरकारी वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर ने बताया कि शनिवार को हवा की गति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषक तत्व नीचे चले जाएंगे। सबसे युवा न्यायाधीश बनेंगे 21 साल के मयंक प्रताप सिंह।
राजस्थान के 21 वर्षीय मयंक प्रताप सिंह देश का सबसे युवा न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में टॉप किया है। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने 23 साल की उम्र में सबसे युवा जज होने का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गौरतलब है कि इस साल ही RJS में आर्थिक न्यूनतम उम्र को 23 से घटाकर 21 किया गया था। मयंक जयपुर में रहते हैं। उनके माता पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और बड़ी बहन इंजीनियर है। उन्हें ये सफलता अपने पहले ही प्रयास में मिल गई है। मयंक ने इस साल राजस्थान विश्वविद्यालय से 5 वर्ष की LLB डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने न्यायिक सेवा को लक्ष्य बना लिया था, लेकिन वो सोच रहे थे कि परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उम्र 23 साल पूरी होने तक वह कोचिंग से तैयारी करेंगे। जब वह कोर्स के अंतिम वर्ष में आए तो RJS के लिए उम्र को नया नियम लागू कर दिया गया और मयंक ने इस एक अवसर को पूरी तरह से हासिल किया। उन्होंने अपनी स्नातक की अंतिम परीक्षा के मात्र 2 महीने बाद ही RJS का पेपर देकर परीक्षा पास कर ली। 9 नवंबर को उनका साक्षात्कार हुआ, जिसमें सबरीमाला से जुड़े प्रश्न पूछे गए। मयंक कहते हैं कि वह अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह पहली रैंक लाकर रिकॉर्ड कायम कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह ईमानदारी से न्यायिक सेवा देंगे। कश्मीर को लेकर इमरान खान ने फिर की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत। कश्मीर मुद्दे पर पूरी दुनिया से मुंह की खा चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की है। फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान इमरान खान ने ट्रंप से कश्मीर मुद्दे पर भी बातचीत की। इसके साथ ही इमरान ने अफगान शांति प्रक्रिया पर भी ट्रंप से चर्चा की। इमरान के कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। इमरान खान ने राष्ट्रपति ट्रंप को कश्मीर के हालात को लेकर बताया। पाकिस्तान कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही वहां के हालात को लेकर रोना रो रहा है, जबकि कश्मीर के हालात अब काफी सामान्य हैं। कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को बताया कि कश्मीर में किस तरह अब अमन शांति सामान्य है और देश दुनिया में सिर्फ कश्मीर को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों ने और खुद भारत ने कहा है कि कश्मीर एक आंतरिक मामला है। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की निरंतरता और मध्यस्थता की पेशकश की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए बार बार मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन साथ ही अमेरिका प्रशासन इस बात को भी दोहराता रहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।